गोविंद नैलानी, ये नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा कि अगर आप बंटवारे से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ते रहते हैं या सुनते रहते हैं या हमारे वीडियोस में भी कभी ना कभी तो मैंने गोविंद साहब का जिक्र ज़रूर किया होगा। अब गोविंद नैलानी साहब का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ जनाब जी, ये वो शख्स हैं, ये वो मशहूर डायरेक्टर हैं जिन्होंने तमस बनाया था। लेकिन उससे पहले ये जहाँ पैदा हुए थे वो कराची शहर था, इसीलिए आज मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। क्योंकि हमारी एक और श्रृंखला है जिसमें मैं कुछ फिल्मी हस्तियों या राइटर्स या कुछ बिजनेसमैन्स के नाम उसमें बता रहा हूँ कि जो लोग सरहद पार पैदा हुए थे, और वो भी आप ही लोगों की फरमाइश थी कि हाँ जी जो लोग वहाँ से यहाँ मूव करके आए थे वो आज कहाँ कहाँ एस्टैब्लिश हैं, तो उनमें ये लोग शामिल हैं। अब गोविंद नैलानी साहब का जिक्र जब आता है तो सबसे पहले तो मुझे तो तमस याद आता है। मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाया था तमस के बारे में, जब 90 औरतें रावलपिंडी के एक ही कुएं में कूद गई थी, वो वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा। फिर आप कहेंगे कि वो तो तमस था, भीष्म साहनी ने लिखा था। जी बिल्कुल वही तमस का मैं जिक्र कर रहा हूँ जिसे भीष्म साहनी साहब ने लिखा था। और देखिए ना कमाल की बात कि बहुत छोटे से थे लेकिन 47 को अपने साथ ले आए थे, यादों में कहीं ना कहीं था जो ताउम्र उन्हें कचोटता रहा, और कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो जाती हैं चीज़ें, जैसा इनके साथ हुआ। 1982 में इन्हें गांधी मिल गई, और गांधी के बाद जब टीवी के लिए इन्होंने तमस बनाया तो ये गांधी में इतना कुछ सीख चुके थे और गांधी से इंस्पायर होके इन्होंने तमस के अंदर बड़ी सारी चीज़ें की। क्योंकि उससे पहले इनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था जिसमें ये बता रहे थे कि शायद मैं वो चीज़ें ना कर पाता अगर मैंने गांधी ना की हुई होती, तो तमस इन्होंने बनाया था इसलिए। और जो मुझे एक्सपीरियंस गांधी में मिला, हैंडलिंग द क्राउड, हैंडलिंग द स्केल, वो मैंने पहले किसी फिल्म में किया नहीं। उस एक्सपीरियंस की वजह से मुझ में वो हिम्मत आई कि मैं तमस को शूट कर सकूं। अब गोविंद नैलानी साहब का किस्सा एक छोटा सा मैं अपने साथ भी बता देता हूँ। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि मैंने 45 डेज ओमपुरी साहब के साथ बिताए थे, आपने शायद देखा हो। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उन्हें नीचे जाके देखना पड़ेगा, या मैं आज उसका लिंक दे ही दूंगा। मुझे ओमपुरी साहब से मिलने के लिए जब जाना था तो मैं उनके घर पे पहुंचा था, और उन्होंने मुझे हेल्प करने के लिए कहा था। मैंने उन्हें कहा था कि मेरी हेल्प कीजिए, मुझे गाइड कीजिए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम मेरी शूटिंग पर आ जाओ, देव फिल्म की शूटिंग चल रही है। तो अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि तब जब मैं सेट पर पहुँचा था तो देव फिल्म का एक सीन, शायद वो कोर्ट का, शायद क्यों, श्योर वो एक कोर्ट का सीन था, उसमें कमालिस्तान स्टूडियो में ये शूट चल रहा था। मैं पहुंचा था और देव साहब, सॉरी नैलानी साहब वहां पर सीन समझा रहे थे, और तब मैंने देखा था इनको, नैलानी साहब को और अमरीश पुरी को, और शायद फरदीन खान तब तक नहीं पहुंचे थे, मतलब कुछ और चेहरे थे, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि अमिताभ बच्चन साहब थे या करीना थी, लेकिन वो सीन जो था वो मैं, मुझे उस शूटिंग लोकेशन का वो सीन याद नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पर इनसे मिला था। तो ये भी बताना बड़ी ज़रूरी था कि भाई इस शख्स ने बंटवारे पर बेस्ड बड़ी सारी फिल्में, बंटवारे पर बेस्ड ये तमस बना। तो तमस आप जानते ही हैं कितना, मतलब आज भी एक अमर हो चुका, और जब भी पार्टीशन की बातें होती हैं, जिक्र होता है, तो तमस का जिक्र सबसे पहले आता है। तो ये जनाब भी कराची में पैदा हुए थे और अपने साथ जो भी यादें लेके आए थे उनको इन्होंने पक्का यहाँ किया था, और उन बातों को इन्होंने इसमें अपने सीरियल में भी डाला, फिल्म में भी डाला। और जैसे कि विकिपीडिया पर यहाँ पर दिखता है कि भाई 19 दिसंबर 1940 को ये कराची पाकिस्तान में हुए थे पैदा। तो इस फहरिस्त में ये भी, और अगली फहरिस्त में देखते हैं क्या होगा, है ना। बाकी आपके सुझाव मुझे अगर मिलते रहेंगे तो मैं जल्द से वो करूँगा। और हाँ, वो वाला ओमपुरी वाले वीडियो का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, और अगर आपने पिछला वीडियो जो कि मैंने
दामिनी कौशल वाला बनाया है, या मैंने उससे पीछे जो बाकी पार्टीशन के रिलेटेड फिल्मों से कनेक्टेड वीडियोस बनाए हैं, या सिंध वाला जो अभी लास्ट वीडियो आपने देखा है रमेश सिप्पी वाला, वो बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, सिर्फ मैं और सिर्फ एक दस्तावेज इकट्ठा कर रहा हूँ ये बताने के लिए, जताने के लिए कि ये सारे के सारे तमाम लोग, तमाम शख्सियतें, तमाम ऊर्जावान, अमीर, टैलेंटेड, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ये सारे के सारे उस दौर में बच्चे थे। यहाँ आकर उन्होंने अपने अपने आर्ट को इस तरह से विकसित किया कि आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये सारे के सारे यहाँ हैं हमारे बीच में। शुक्रिया।